हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी फॉग के बारे में, और सबसे पहले तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि फॉगिंग जो होती है हेलमेट के अंदर, उसका मेन कॉज क्या होता है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ कुछ मॉइस्चर भी बाहर निकलता है। हेलमेट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है, उसमें डिफरेंस होने की वजह से वो मॉइस्चर कंडेंस होकर हेलमेट के वाइजर के ऊपर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो फॉग क्रिएट हो जाती है। अब कॉज तो आपको पता लग गया। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये होता क्यों है, या फिर हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, सबको याद होगा। हम गर्म पानी भरते थे एक छोटी सी शीशी में और उसके ऊपर बर्फ़ रखते थे, उसके अंदर बादल जैसा कुछ बन जाता था, वही ये फॉग होती है। तो कॉज आपको समझ में आ गया कि किस वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसको टैकल किस तरीके से कर सकते हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसको टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का हेलमेट लेते हैं तो उसके अंदर ये पिनलॉक वाले वाइज़र मिलेंगे आपको, जिसके अंदर ये पिनलॉक वाला एंटी फॉग लगा हुआ होता है। उसके बाद सेकेंडरी, जिन हेलमेट्स के अंदर पिनलॉक नहीं होता उनके लिए आप ये एंटी फॉग वाली फिल्म ले सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिनलॉक वाइज़र का मैकेनिज़्म किस तरीके से वर्क करता है वो पहले समझ लेते हैं। हेलमेट के अंदर की एयर में और बाहर के एयर की टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसको टैकल करता है ये। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो एक थिन लेयर बना देता है ये एयर की, जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो जाता है और वो फॉगिंग होने से प्रिवेंट हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं हम एंटी फॉग फिल्म के ऊपर। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये फिल्म किस तरीके से होती है, और मैं पिनलॉक वाला भी आपको निकाल के दिखा दूँगा। ये जो फिल्म होती है इसके ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग होती है। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर पानी टिक नहीं सकता। तो ये वाली फिल्म आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है और उसके ऊपर पानी नहीं टिकता। तो अगर आपको बारिशों में आपका वाइज़र एकदम क्लियर चाहिए, बारिश में पानी ना आपके वाइज़र पर टिके, तो आप इसको हेलमेट के आगे लगा सकते हैं वाइज़र के, जिसकी वजह से जब पानी इस पर पड़ेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। और सेकेंडली आप इसको वाइज़र के अंदर लगाइए जब आपको फॉगिंग प्रिवेंट करनी होगी। फॉगिंग प्रिवेंट करने के लिए आपको वाइज़र के अंदर लगाना है और बारिशों के टाइम इसको बाहर लगाना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद एक तीसरी भी चीज़ आती है, एक कोटिंग आती है, स्प्रे आता है एंटी फॉग करके, वो अराउंड आपको 250 से 500 रुपये के आसपास मिल जाता है, और वो आई थिंक 5 से 6 बार चल जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिन लॉक को यूज़ करने का तरीका क्या होता है। सिंपली आपके वाइज़र के अंदर दो पिन लगे हुए होते हैं, और जो आपका पिन लॉक होता है उसके अंदर दो खांचे बने हुए होते हैं। ये दोनों खांचे आपको बस यहाँ पे फिट करने होंगे, और जिस जिस हेलमेट के अंदर पिन लॉक अवेलेबल होगा उसमें आप अपने कोई भी पिन लॉक लगा सकते हैं। ये फिट हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल है, आपको बस चिपकाना होता है किसी भी वाइज़र के ऊपर। इसकी लाइफ आप जितना चाहें यूज़ करें, जब तक स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते, आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है, उतना यूज़ कर सकते हैं। इसकी लाइफ मैक्सिमम 3 महीने तक ही रहती है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चिपका रहता है। अगर आपने खुद छुड़ा दिया वाइज़र के ऊपर से तो माइट भी शायद दोबारा ना चिपके, बट मैक्सिमम ये 3 महीने तक चल जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वाला एंटी फॉग यूज़ करना है अपने हेलमेट के लिए। तो यहीं तक थी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलता हूँ।